वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि यहाँ से आपको टाइटल देखने से पता चल रहा है कि ये जो वीडियो परफॉर्म की बनाई जा रही है, बेसिकली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रिपेयर की जा रही है। ये बीएससी में भी जो स्टूडेंट CSJM यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और बीएससी थर्ड ईयर में वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको पेपर अटैम्प्ट लेना है, ये उनके लिए है जो अभी 2021 में पेपर अटैम्प्ट लेने जा रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली बच्चा उन्हीं के लिए प्रिपेयर की जा रही है। आइए समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। वीडियो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पास एक बुक है जो ऑप्शनल है और इस बुक को जिन भी लोगों ने अध्ययन किया हुआ है उनके लिए MCQ एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। कई स्टूडेंट्स की स्पेशल रिकमेंडेशन और कई टीचर्स के कॉल करने के बाद ही इस वीडियो को प्रिपेयर किया जा रहा है। MCQ की पूरी शीट आपकी प्रिपेयर कर दी गई है। आइए समझते हैं कि किस टाइप के MCQ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं। ये नोटिस 13/6 को जारी की गई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो एग्ज़ाम होगा वो 16 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। मगर अभी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो डेट शीट अपलोड की गई थी वो डेट शीट वर्तमान में साइट पर नहीं है, वहाँ से वो हटा दी गई है। मोस्ट प्रोबेबली 18 जुलाई को यूपी बीएड एग्जामिनेशन की वजह से इसमें कुछ संशोधन किया जा रहा होगा, शायद इसलिए ये वहाँ पर नहीं है। अब देखना ये है कि केवल एक डेट चेंज होती है, पूरी डेट शीट चेंज होती है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार विजिट कर रहा हूँ और मुझे वो डेट शीट वेबसाइट पर नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ से पता चल रहा है कि जो भी प्रश्न पत्र होंगे वो बहुविकल्प यानी MCQ टाइप के होंगे और समय सीमा जो होगी वो 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि वीडियो बीएससी थर्ड ईयर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए बीएससी थर्ड ईयर की यहाँ पर डेट शीट अटैच की गई है। मैथ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 तारीख को मैथ का पेपर पुरानी डेट के अकॉर्डिंग, मगर याद रखना अभी जब न्यू डेट शीट अपलोड होगी तो न्यू डेट शीट एक बार आप देख लेंगे। यहाँ पर टाइमिंग बता दिया गया और टाइमिंग के साथ में ही आपको बताया गया है कि प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का होगा और ये प्रश्न पत्र पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए आपको नोटिस भी देखने को मिला हुआ है जिसमें पेपर पैटर्न की बात की गई है कि 100 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में मिलेंगे जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट लेने हो, 25 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी और इस चॉइस के बाद में अब आप अटैम्प्ट ले पाएंगे 75 क्वेश्चन। कितने? 75 क्वेश्चन। तो अच्छा, 75 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट लेने के बाद में आपका पूरा जो भी रिजल्ट है वो बना दिया जाएगा। इस 75 के बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे इसी के बिहाफ पर आपका पूरा रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये 75 क्वेश्चन आपने जो भी 6 किताबों का अध्ययन किया हुआ है वो 6 की 6 किताबें इसमें आने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से एक बुक से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ही एक बुक से पूछे जाएंगे। यहाँ पर बच्चा सब चीज़ बता दी गई है, 75 का ही आपको उत्तर देना होगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये पूरा नोटिस आप आसानी से देख भी सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। आइए बच्चा इसी में हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने रहा एक प्रश्न पत्र जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर मनोज साहू सर बेसिकली ये पूरा बीएससी का क्लासेस रन कराते हैं, बीएससी और एमएससी। ये आपके लिए प्रश्न पत्र रहा बच्चा, ये प्रश्न पत्र आप यहाँ से देख सकते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो हाईलाइटेड हैं, ज़्यादा डार्क हैं, एक्चुअली वही उसका सोल्यूशन है। ये बच्चा 100+ क्वेश्चन की सीरीज बनाई गई है जहाँ पर आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, 62, 63, 64, 65 और इस तरीके से। अगर मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित तौर पर ये 10 क्वेश्चन आपको इस शीट से मिल जाने चाहिए। फिलहाल एक शीट और भी प्रिपेयर की जा रही है, जल्द ही वो शीट भी पब्लिश की जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस शीट के देखने को मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर मनोज साहू सर से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।